हाय मेरे प्रिय मित्रों की हाल चाल, मैं हूँ शिशांत सराफ और ये है मेरा आईफोन। सॉरी आईफोन का केस है यार, आईफोन थोड़ा रखा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ एक इंडियन टीनेजर, मेरा नाम है शिशांत सराफ और अगर तुम चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यार देखो, वैसे तो मैं हूँ एक इंडियन टीनेजर, मतलब जो क्लास 9, 10th, 11, 12th के बच्चे होते हैं उन सबका ड्रीम होता है एक आईफोन होना। तो इस वाली वीडियो में तुम देखने वाले हो ऐसा टीनेजर मतलब कैसा फील होता है एक आईफोन होना यार, वो भी लेटेस्ट वाला 15 प्रो। तो यार इस वीडियो में बहुत सारा मजा आने वाली है। देखो कुछ लोगों के लिए आईफोन रखना बड़ी चीज नहीं होती यार, फिर बहुत छोटी चीज होती है यार, आईफोन ही तो यार। बट देखो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मतलब एंड्रॉइड फोन यूज करता था एक टाइम पे, बट यार आईफोन यूज करना बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो आ ली भले ना हो तुमने यार, क्या पता रिच किड्स हो भाई, बट मुझे तो बहुत खुशी होती है एंड ये खुशी आई होप तुम सबको भी होती हो। एंड यार ये ईयर का लेटेस्ट आईफोन है, मतलब 3-4 महीने बाद ये फिर पुराना हो जाएगा, लेटेस्ट कभी रहेगा नहीं। क्योंकि यार देखो लेटेस्ट आईफोन की बात ही अलग होती है भाई। एक्चुअली ये मेरा फोन नहीं, मैंने अपना फोन अनबॉक्स ही नहीं किया हुआ एक्चुअली। बात क्या है ना, मैं वीडियो बनाने तो आ गया बट यार फोन का डब्बा ही नहीं लेके आया, बहुत बेवकूफ इंसान हूं। तुम लोग से क्या ही झूठ बोल रहे यार, तुम लोग तो मेरे भाई बहन हो, बहुत अच्छे लोग। तो यार अपने आईफोन को अनबॉक्स करने के पहले ये स्टोरी तो जान ले यार। देखो मैं भी टीनेजर हूं, मुझे आईफोन कैसे मिल गया ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मेरे लिए तो है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। आईफोन 15 प्रो आया कैसे, इसके लिए हमें दो जगह जाना पड़ेगा। पहला तो मुंबई, मुंबई में शाम होती मैं जाता हूँ मॉल के अंदर, और वहां पे मुझे दिखता है ये आईफोन 15 प्रो पहली बार। तो यार एक्चुअली मैं वहां से तो अपना आईफोन देख के आ गया था, बट मेरा फोन आया था फाइनली न्यूयॉर्क से। मैं अपने फोन को फाइनली खोलने जा रहा हूं फर्स्ट टाइम। मजाक कर रहा हूं यार, पहले ही खोल रखा था मैंने। तो उसमें है कुछ कागजात जो कि मैं पढ़ने नहीं वाला, और ये है एप्पल का स्टिकर। तो यार ठीक है, मैंने वाला फोन तो स्टार्ट कर दिया, अब रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं इस वाले फोन से और इसका कैमरा चेक करते हैं कैसा है इसका कैमरा। तो यार देखो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी है और मैं यार मतलब बताना कि कैमरा कैसा दिख रहा है, शायद अच्छा हो। तो यार देखो मैं अपने कैमरे की साइड बाय साइड रखने वाला हूँ, तो तुम बताना कौन सी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, ये या फिर ये। तो यार तुम्हारे मन में एक प्रश्न होगा कि शिशांत यार तू न्यूयॉर्क खुद गया था या फिर तेरे पास फोन खुद चल के आ गया। एक्चुअली यार देखो ना तो मैं गया था ना तो फोन खुद चल के आया। एक्चुअली मेरे चाचू वहां से लेके आए थे फोन एंड मैंने वहां पे बोला था कि यार चाचू आप थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लीजिएगा जब आप मेरा फोन लीजिएगा, तो मैं लगा दूंगा इस वाली वीडियो को बनाते वक्त। एंड जो मुंबई वाला सीन था वहां पे मैं खुद गया था एंड वहां की स्टोरी है कि वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना फोन देखा था, ये वाला 15 प्रो कैसा होता है हाथ में लेके। देखो मैं करने क्या वाला हूं कि ऐसे मैं फोन लेके जाऊंगा रिकॉर्डिंग करते हुए एंड का रिएक्शन कैप्चर करूंगा ये वाला फोन के, मतलब देखता हूँ लोग पहचान पाते हैं नहीं, मतलब ऐसे मैं कैमरा लेके जाऊंगा। ये फोन तो नहीं दिखेगा यार अलग सा, तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होते हैं। यार माफ कर दो यार, थोड़ा मिरर वीर बहुत गंदा का भी साफ करता हूँ नहीं। हाँ तो ऐसा फोन में दिखाऊंगा, ऐसा दिखेगा रिकॉर्डिंग करते हुए। तो ये हमारे मनीष मल्होत्रा जी, तो नरेंद्र यार थोड़ा सामने देखिए, कुछ नोटिस किया यार सामने देखिए ना फोन में यार, इधर कुछ नोटिस हो रहा है क्या फोन में आपको, क्या मतलब कलर वगैरह चेंज ऐसा नहीं समझ में आ रहा है का कलर? अरे फोन का हाँ यार, जैसे पहला तो ऐसे अभी भी है। कुछ नोटिस किया आपने, कुछ अलग सा दिख रहा है? तो यार देखो वही पहचान नहीं पाया, देखो नया नया आईफोन इधर दिख रहा है पर कोई पहचान ही नहीं पा रहा है।